बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से ये हम कॉफ़ी विद सीईओ का सेशन आगाज़ करते हैं। ये हमारा एक बड़ा बेहतरीन एक सर्विस है टुवर्ड्स पाकिस्तान सोसाइटी कम्युनिटी एंड यूथ, और ये एक सर्विस है बाय द सीईओ क्लब पाकिस्तान एंड सीईओ टुडे मैगजीन एंड मैनेजमेंट। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो हमने कोई 2 साल पहले लॉन्च किया था और इट बिकेम वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पाकिस्तान के 2 क्रिटिकल इशूज़ हैं जो कि उनको एड्रेस करते हैं थ्रू दीज टॉक्स। ये बड़ी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन और टॉक्स होती हैं विद द कंपनी के सीईओ के साथ, उनके जो फाउंडर के साथ या उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। इसका बुनियादी जो मकसद है वो 2 है। एक ये होता है कि हम बच्चों को, नई नस्ल के बच्चों को एक रोल मॉडल्स पेश करें, उनको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर भी बिल गेट्स पाए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी स्टीव जॉब्स पाए जाते हैं, जो कि मेहनत करके स्ट्रगल करके अपनी जो है अपनी लेगेसीज क्रिएट करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को सर्व करते हैं। तो नंबर 1 है इंस्पिरेशन, और सेकंड है कि पाकिस्तानी बच्चे जो यूथ हैं वो डायरेक्शन लेस है, उनको ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। तो इस किस्म की जो टॉक्स और स्टोरीज होती हैं वो उनको इंस्पायर करती हैं कि ज़िंदगी के जितने भी अंधेरे आ जाएँ, चाहे वो कोविड हो, तो चाहे वो अपने इकोनॉमिक रिसेशन क्यों ना हो, तो उसके अंदर भी हम अपना रे ऑफ होप हमें मिल सकती है और ये स्टोरीज करती है। और लास्ट नॉट लीस्ट, ये जो स्टोरीज़ होती हैं ना, क्योंकि हम जब छोटे थे बच्चे थे तो हमें स्कूल के टीचर, हमारी नानी दादियाँ, हमारी फूफियाँ ये स्टोरीज सुनाया करती थी। मैं चाहता हूँ ये पाकिस्तान के कामयाब सीईओज़ की और लोगों की और एंटरप्रेन्योर्स की ये कामयाब स्टोरीज़ हैं, ये गली गली, नगर नगर, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर ये पहुँचे, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो एक जनरल डिप्रेशन और डिस्पोंडेंसी है उसके खिलाफ एक जंग है। तो आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान बहुत बड़ा ब्रांड बनाया है इनके वालिद साहब ने, और एक आज माशाल्लाह 20-30 ईयर्स इट टुक, और आज ये पाकिस्तान के हर शहर में इनका एक कोई ना कोई स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर है, और इनके उनका उस ब्रांड का नाम है रिवाज, और इनके मल्टीपल ब्रांड्स हैं। वो हम बात करेंगे काशिफ जावेद साहब से, जो कि इस रिवाज के सीईओ हैं। और ये प्रोग्राम मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा अपना ख्वातीन के लिए, क्योंकि ये ब्यूटीज़ के रिलेटेड ब्रांड्स हैं, और हम ये सिर्फ खाली खूबसूरत मेकअप या इस किस्म की चीज़ें नहीं करते, बल्कि पूरी कौम को वो एक खूबसूरत बनाने की ये छोटी सी कोशिश है। तो प्लीज़ वेलकम सर जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया काशिफ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट हाउस आए, कैसा लगा आपको मैनेजमेंट हाउस? जी माशाल्लाह जी, मैंने देखा है, और रियली इट्स रियली इंस्पायरिंग। एक बहुत अच्छा आपने सर एक सेटअप बनाया कि जहाँ पर जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है लर्निंग के लिए, इवन के अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए, आई थिंक इज़ अ बेस्ट स्पॉट। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए रिवाज का स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपके ये सेकंड जनरेशन है जो आप कर रहे हैं, आपके वालिद साहब से मिला भी था, इज़ ग्रेट ह्यूमन बींग, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। तो काशी उनको बताएं ये कैसा, कहाँ से, किन हालात में, किन चैलेंजेस के साथ ये स्टार्ट हुआ, और आज माशाल्लाह पाकिस्तान का ये लीडिंग ब्रांड बन गया रिवाज। प्लीज़ ओवर टू यू सर। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया, आप बोलने का मौका दिया। ऐसा था एजाज भाई, जब मैं बहुत छोटा था, व्हेन आई वाज इन द 14 ईयर्स ओल्ड, आई वाज इन क्लास 9th, तो कुछ क्राइसिस का टाइम आ गया। बचपन ठीक था, अच्छा था, वाला साहब की इंपोर्ट थी, बट एक टाइम आता है क्राइसिस। तो मेरी मदर ने कहा आप जाओ जाके अपने फादर की हेल्प करो। उन्होंने एक शॉप बनाई होल सेल मार्केट लाहौर में, शालम में, और एक ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया कि चलो जो रोज़ी गुसर बसर होती है वो स्टार्ट कर दें। और हम लोग अपने घर में, तो हर बंदा अपने घर में बादशाह होता है कि यार ठीक है, हम ठीक है। जब मैं उनके पास गया तो बिज़नेस तो कुछ था ही नहीं हमारा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये अब्बा जो है कमा के खिलाते कहाँ से हैं। तो बहरहाल उनके साथ लग गए, और टफ टाइम था। मेरी मदर, अल्लाह उनकी उनको जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद, उनका वियर बहुत अच्छा था, बट नो डाउट के उस वक्त क्राइसिस में बंदा फेल होता है। तो मेरी मदर ने कहा कि जब आपने मैट्रिक कर लिया तो आप जाओ इंग्लैंड जाओ, मेरी खाला वहाँ रहती थी, वहाँ जाकर उनके साथ आप कुछ ज़िंदगी को स्टार्ट करो। तो मैंने देखा कि मेरे वालिद नो डाउट इस वक्त बिजनेस में फेल हैं, बट मुझे फील हुआ कि ये बहुत टैलेंटेड आदमी है। जो उस वक्त नन्ना जहन था, इतनी अकल तो नहीं थी, बट जब मैंने 6 महीने साल गुजारे तो मुझे लगा कि यार ये इस बंदे में टैलेंट तो बहुत ही है माशाल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। तो मैंने अपनी मदर से कहा नहीं माँ मैं ठीक हूँ। अच्छा वहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम तकरीबन 10-12 साल क्राइसिस में रहे और लगे रहे, सीखते रहे, अब्बा जी हमें काम सिखाते रहे, बट हम थे बिल्कुल फेल, कोई रेपुटेशन नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा उस 10-12 साल में वाला साहब के साथ लड़ता भी था मैं कि अब्बा जी ये क्या बिजनेस है हमारा यार, क्या आप करते क्या हैं ऐसे वैसे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया उनके साथ, जैसे आप बैठे हुए सीखते रहे। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, जब
थोड़ी सी अल्लाह ने हिम्मत दी कि हम जाएँ थोड़ी सी इम्पोर्ट करें। तो मैं मुल्क से बाहर गया, एक आध कंट्री में गए, तो जो उन्होंने सिखाया हुआ था वो सारे खजाने वहाँ पड़े हुए थे, जो लोग इम्पोर्ट नहीं करते थे। अच्छा। जिन लोगों को सेंस नहीं थी कि यार ये चीज़ पाकिस्तान की मार्केट में दिखती है। ओके। तो मुझे तो लगा कि यार ये बिजनेस तो बड़ा आसान है। ओके। अच्छा, अब हमें नहीं पता था कि इम्पोर्ट कैसे करते हैं, नहीं आता समझ नहीं आती कि चीज़ें, कुछ नहीं पता कि कैसे कैसे अब पाकिस्तान शिप कैसे करना स्टॉक, लाइक अब पैसे कैसे मंगवाने, ना मुझे पता ना मेरे भाग को पता ऐसी क्या होती है ये चीज़ें कैसे। और मार्केट में बड़े टाइकॉन्स थे, हमें पूछो शर्म जाती थी यार कैसे करना। वाह वाह वाह। अच्छा, कुछ चार पाँच दिनों में जब गए तो पता चल गया, कुछ ना कुछ आइडिया हो गया कि यार ये किस तरह से एलसी खुलती है, किस तरह से होता है। तो हिम्मत करके किसी को पैसे दे दिए और काम हो गया। अच्छा, अब जब इम्पोर्ट की तो मैं हैरान था कि उस मार्केट में उन चीज़ों की शॉर्टेजेस थी, उन चीज़ों की जो आपने मंगवाई, जो बड़े स्टोर थे उस वक्त अल्फता स्टोर बहुत बड़ा था, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो हम बड़े हैरान हुए, यार ये लोग बड़ी बात है। उस वक्त तो मेरी हिम्मत भी होती थी उनके पास जाऊँ, बट मेरे वालद साहब बहुत हिम्मत वाले आदमी थे, उन्होंने बुलाया। उस वक्त उनके वालद थे अपना हाजी इकबाल साहब। इकबाल साहब, हाँ जी। उनका ऐसा नजर आओ मेरा पुत्र सामान ले गया देखो जरा, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, वाओ ग्रेट यार। फिर उनके बेटे शेख अनीस साहब हुआ करते थे, वो आते थे मार्केट के एक बार, अब आज उनको बुला लिया करते थे। छोटे से दुकान सी, कोई रेपुटेशन नहीं है, बट उनमें हिम्मत थी, यार शेख ने देख जा रहा है सामान ले गया मेरा बेटा देख जरा, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन हुई। तो ये सफ़र थोड़ा सा चला और करते करते फिर हम लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गए, दुबई था, थाईलैंड था। कौन सी मेन मार्केट थी जहाँ से आपने ये प्रोक्यो किया सारा? अगर हम दुबई देखते हैं तो दुबई में मुर्शद बाज़ार है जो मेन मार्केट है, और अगर थाईलैंड जाते हैं तो वहाँ पर परतुना मार्केट है। ओके। वहाँ से हमने काम स्टार्ट किया, चाइना टाउन है वहाँ से स्टार्ट किया काम। वहाँ जाके फिर हमें छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत सीखी हुई थी, छोटी छोटी चीज़ें जो अब्बा जी ने मुझे सिखाई, आज भी मुझे वो चीज़ों की नॉलेज नहीं है मेरे अब्बा जी को थी, क्योंकि वो माशाल्लाह केमिस्ट थे, वो चीज़ को समझते थे। ICSM का नहीं था, बेसिकली केमिस्ट नहीं थे, बट उनको शौक था, वो ICI को कुछ केमिकल्स वगैरह करते थे। तो उन्होंने जो चीज़ों के ऊपर जो होता ना डिस्क्रिप्शन और फीचर्स, वो अपने कस्टमर को बताया करते थे। मैं उससे लड़ता था कि अब्बा जी क्या डिटेल में जाते हो आप यार, यू आर होल सेलर, बट क्या डिटेल में बताते हो आप। तो बट वो सीख गया, मैं नाचा तो सीख गया। और जब उस मार्केट में गए तो जो बेचने वाले थे, आप बिलीव करें, उनको भी नहीं पता था वो क्या बेचते हैं, बट यहाँ पर डिमांड थी, तो हम छोटे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मार्जिन कमा लेते थे उसमें। अब क्रेज़ था, वालद मेरी वालदा को भी बहुत शौक था, उनकी बड़ी मोटिवेशन थी। क्या है खासकर जो फाइनेंशियल चैलेंजेस, ह्यूमन रिसोर्स, लोग थे, टीम बनानी थी, ये चैलेंजेस को क्या थे और कैसे ओवरकम किया? सर अब देखिए, अब चूंकि क्राइसिस थे, तीन टाइम रोटी खाने के पैसे भी कम थे, लोन भी था। अच्छा, मेरे वालद ने कहा यार एक बंदा रख लेते हैं, एक बंदा आया बहरीन से बेचारा, कुछ ज़माने में दादा के साथ जॉब करता होगा, अब इसको रख लेते हैं यार सैलरी के ऊपर 30 rupees पर डे। मैंने कहा भाई क्या करते हो यार 30 rupees अगर हम घर ले जाते तो क्या बुराई थी। तो बजे से जा ख्याल है कोई बात नहीं, उसको दे देते हैं पैसे। अच्छा, उस बंदे ने, उसका नाम था बशीर साहब, चिट्टा अनपढ़ आदमी, किसी आम से घर का बंदा जो कि वहाँ पर टेलर था। अच्छा, मेरे वाले सबको आता था, बहुत कुछ था, बट हमें पब्लिक डीलिंग बिल्कुल नहीं आती थी। पब्लिक डीलिंग भी कुछ चीज़ होती ना, आपने कोई चीज़ को किसी को आपने दिखाना है, कोई आपने चीज़ दिखानी है, तो हमें बात नहीं करनी आती थी बेटा को बिल्कुल। तो उस बंदे ने जो बिल्कुल बेचारे अनपढ़ आदमी, उसने मुझे सिखाया कि पब्लिक डीलिंग क्या होती है, हम कहीं स्टॉक लेके जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, ये कह रहा है मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं मैं स्टॉक लूंगा पर लेगा नहीं। तो मैं बोलता था चाचा आप कैसे कह रहे हो, सुबह चाचा क्या करता था, कहते नहीं पता मैंने पता है। फिर कहा अच्छा यार, अच्छा अब डीलिंग उसने सर सिखा दी कि कहाँ जाकर हंसना है, कहाँ जाकर नहीं हंसना है, कहाँ जाकर इतराज़ भी करना है, नो कैसे बोलना है, वो भी सीख लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक अप्लाई रखा, दो रखे, तो करते करते अब हम लोग एक अच्छे इम्पोर्टर बन गए। इम्पोर्टर बन गए, इम्पोर्टर छोटे दरमियाने इम्पोर्टर बन गए। सॉरी, चार पाँच कितने साल लगे तकरीबन, अगर मैं सही बताऊँ तो मिनिमम 15 years के अंदर, 15 साल लगे, 15 to 17 years में, बट बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अगर मेरी, अगर आप शादी बाजार के भी जाएँ, अगर आप किसी से पूछे मेरे वाले नाम शेख जावेद है और काशिफ, तो बताएंगे यार एपीओ पोतों ने बड़ी मेहनत की थी। इसके बगैर अच्छा, हमने हर वो काम किया, मैंने बताता हूँ खुद, मैंने हर वो काम किया कि जो एक छोटे से छोटा होलसेलर ने किया हो, और शायद सोचा भी ना हो मैंने वो काम भी किया है, क्योंकि जारी बात है एक घर का खर्चा चलाना था, छोटे मोटे लोन थे, मैंने हर छोटा काम किया। मैंने मतलब घर में ला के पैकिंग भी करनी, मैंने शैम्पूज भी पैक करने, और हर वो काम जो कि अगर आपके अंदर स्टाफ भी सोच सकता है कि ये पार्ट टाइम अपने घर जाकर कुछ करते हो, मैंने सारे काम किए हुए हैं।
मेरा अगर मेरी सिस्टर थी, उसका अगर जेज बनाना था उसके लिए भी हमने घर में लोगों के लिए जो होते ना वो 25 पैसे देंगे ये पैक करो, वो भी काम किया मैंने। मतलब हमने भी, मेरी वालदा माशाल्लाह बड़ी शौकी मिजाज थी, उन्होंने हमने रात के अंधेरे में सारे काम करने हैं। हमने शुरू होना रात के कोई 10-11 बजे और सुबह तक अपने काम पूरा कर लेना और हमें 2-400 रुपये बच जाना उसमें। हमने 4-5 साल भी ये काम किया। अच्छा, हमारी फैमिली बड़ी मतलब वो जो थी अपना फाइनेंशियल वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, कुछ पॉलिटिक्स में भी थे और कुछ माशाल्लाह फाइनेंशियली देवर जो मेरी मतलब जो मेरे क्लोज फैमिलीज थी। तो हम लोग फिर लंडे के कपड़े भी माने पहना देने, सजा देना, सब कर देना। तो हमने इस तरह से कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छा जैसे देखी हमने, लाइक 2 decades हमने ऐसे गुजारे हमने। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह मैं आई एम वेरी टच्ड, मैं तो आई एम टोटली स्पेल बाउंड के आपने जो अपनी वो चीज़ें बताई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर तो सर रोशनियाँ होती हैं, डांस होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो होता ना वो कोई नहीं बताता। आज पहली दफ़ा पता चला कि कोई ब्रांड कैसे बनता है सर। उसके बाद जब 20 साल बाद आप एक छोटे से इम्पोर्टर बन गए, और उसके बाद आपने अपनी टीम कैसे डेवलप की, क्योंकि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी सक्सेस उसकी टीम है। फिर आपके 3 भाई माशाल्लाह, एक आपके जो एक दो भाई छोटा एक आपके साथ है, तो वो एंटर हुए, तो उन्होंने फिर आपकी दूसरी टीम आई है, HR मार्केटिंग ये वो, इसके बारे में बताइए कि टीम कैसे डेवलप की और क्या चैलेंजेस आए। असर देखिए, जो मेरे वाले साहब हैं वो माशाल्लाह बड़े तवक्कल वाले आदमी थे। मेरे दादा का बिज़नेस ठीक था, मेरे वाले का बिज़नेस भी ठीक था एक टाइम पे, तो उन्हें आइडिया था कि स्टाफ कैसे हायर कर लेते हैं। कुछ हमने स्टाफ हायर कर लिया, 2-4-5-7 लड़के, उनको मेरे अब्बा जी देख लिया करते थे। बट ऐसा जैसे एक फैमिली एनवायरनमेंट है, तो छोटी मोटी एक दुकान पर कुछ टीमें हायर हो ही जाती हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं था। अच्छा, बट जब हो गया तो मेरे भाई ने माशाल्लाह, अच्छा जो सबसे छोटे भाई हैं उनका नाम एहसन जावेद है, इन्हें स्कॉलरशिप मिला। इन्हें उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे परवेज लाई, उन्होंने उसको इंग्लैंड का भी दिया कि आप जाइए स्कॉलरशिप वहाँ पढ़ के आए। एक मेरे भाई आफ्ताब जो मुझसे छोटे हैं वो पहले इंग्लैंड में थे, हमने कहा यार तू इंग्लैंड जाओ पैसे कमा के ला यार, पैसा तो है ही नहीं हमारे पास वेले, तो पैसा कमा के ला यार। वो पहले से वहीं पे थे और वही पैसा भेजा करते थे जो छोटे भाई ने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की। तो अब जो छोटे भाई थे, जब मेरी शादी हुई 2003 में, तो मेरी मदर ने कहा कि यार तू ना रिकवरी क्या कर, क्योंकि मेरा काम ऐसा था कि मैंने जाके सेल करनी, फिर रात को रिकवरी करनी, और फिर जो उस वक्त फ्राइडे की छुट्टी हुआ करती थी, तो फ्राइडे को मैंने चले जाकर ना पेशावर, वहाँ से बड़ा था वहाँ से माल आया करता, तो फुल टाइम जॉब भी थी। तो मेरी मदर ने सोचा कि बेटा आप ऐसा करके, चल भाई की शादी हो गई है, ये रिकवरी तू कर लिया कर। उसको एक छोटी मोटी गाड़ी ले दी, FX करके इसको ले दी कि चल तू तो पढ़ भी लिया कर और रात को बाइक की रिकवरी भी किया कर। उसको थोड़ा बहुत शौक था मॉडलिंग का और फोटोग्राफी का, तो वो साथ पढ़ता भी रहा, साझा भी करता रहा। अच्छा, मैंने देखा कि उसका वो मुझे बहुत छोटा था, मुझे उससे प्यार भी बहुत ज़्यादा था, बच्चों की तरह से होता है छोटे वैसे बड़ा प्यार होता है। तो अब उसको वीज़ा लग गया इंग्लैंड का, अब वो बड़ा खुश था दैट आई एम गोइंग टू इंग्लैंड। तो मैंने कहा अपनी मदर को भी और फादर को भी कि यार हम बाप बेटा क्या करते रहेंगे यार, मैंने बैचलर्स किया है, कोई इतनी भी तो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो यार अब एसन भी जा रहा है उसको रोक लेना चाहिए। अच्छा, मदर ने इसको बात की, वो भी बड़ा ओबीडियंट था, उसका ठीक है माँ जैसे आप कहते हो, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, वो रुक गया। अब वो आ गया शॉप पे, सोचा मैं शॉप पे आता हूँ मैं, तो मैंने पास कहा उसको बिजनेस हमारा स्टेबल हो गया, मैंने कहा भाई बिजनेस हमारा इतना अच्छा तो नहीं है यार, अब ये आएगा तो हम इसे क्या मुँह दिखाएंगे यार। था वो ठीक वैसे, सर मार्केट में नाम था हमारा, हमने उसके आने से पहले मज़ीद अपने शोरूम को थोड़ा सेट वेट किया और थोड़ा सा उसका एम्बियंस चेंज किया, और जब वो फिर आया 1 साल के बाद तो हमने कहा यार बेटा ये हमारा बिजनेस है। वो जब आ गया तो उसको मैंने 6 माह का रगड़ा लगाया, मैंने उसको ये बात लंबी नहीं नहीं प्लीज़ कर 6 माह को उसने रगड़ा लगाया। अपने जो स्टाफ थे जो आपने कहा कि जो टीम हायर की, मैंने उन सबसे कहा कि आपने इसको एहसन कहना है, एहसन भाई नहीं कहना है, और उनसे मैंने कहा इनसे कहा कि आपने उन सबको वकार भाई जैसे बोलना है। तो ठीक वो आ गया, वो पढ़ लिख के आया था, उसको मैंने गोदाम में कार्टन्स पैक कर, स्टैकिंग कर, ये कर वो कर, किधर लगा दिया है रेट याद करो जुबानी। तो 6-8 माह तो वो रोता था घर जाके कि मुझसे ये गंदे गंदे काम क्यों नहीं होते माँ जी, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं। लेकिन 6-8 माह गुजर गए तो मेरी माँ को शौक था बेटा तो उसको भी दवाई लेके जा, तो एक दोस्त में ले गया। जब वहाँ पर गए तो उसको मैंने बताया कि यार ये हमारे मार्जिन हैं, ये हमारे बिजनेस हैं, बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैं कहता था शॉप यार किसी में 2% है, किसी में 3% है। जब उसको थोड़ा बताया कि नहीं यार कुछ चीज़ें हैं अच्छी, वो बड़ा खुश हुआ। उसके बाद मैंने कहा बैठ अब आपके बाद आपने ही जाना इंपोर्ट करने, मैं अब दुकान पर ठीक हूँ यार। तो उसको एक्सपोजर मिला, अब पढ़ा लिखा था, सोचा ये तो अच्छा चांस मिला है। फिर उसने मार्केट एक्सप्लोर की, उसने मुझसे बहुत अच्छा काम किया, मतलब आपके जो उस बिजनेस की ग्रोथ में उसने एक रोल प्ले किया, जैसे एक यंग ब्लड होते हैं, उसने वो रोल प्ले किया। और यंग था, एनर्जेटिक था,
और उसने देखा हुआ था कि हम किस क्राइसिस से उठे हुए हैं, तो फिर उसने अच्छा रोल प्ले किया और फिर हम लोग मुख्तलिफ कंपनियां टैप की और हमने फिर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन ली हम लोगों ने। माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं अब क्या स्ट्रक्चर है, ये तो आपने पास्ट की स्टोरी बताई वाले साहब की, अपनी वालदा, अपनी मेहनत, अपनी फैमिली, बहन की शादी, ये सारा एक प्रोसेस चलता गया। अब लेटेस्ट करंट सिचुएशन क्या है, रिवाज के कितने इम्प्लाइज हैं, रिवाज के कितना डिस्ट्रीब्यूटर है और कितने ब्रांड्स को आप डील कर रहे हैं दुनिया के? माशाल्लाह बड़ा ऑनर है कि आप बड़े बड़े जैसे यूनिलीवर इंटरनेशनल वैसलीन जैसे ब्रांड्स हैं जो कि हर घर में, मेरा नहीं ख्याल कि हर घर में दो चीज़ें जरूर पाई जाती होंगी पाकिस्तान के हर घर में ना, एक तो पाकिस्तान के हर घर में आलू मिलते होंगे या चीनी या नमक, और एक वैसलीन या इस किस्म का ब्रांड आप हर घर में माशाल्लाह मौजूद है। इसके बारे में बताएं कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्या इसकी इस वक्त करंट सिचुएशन है। अच्छा जी, हम लोग जाया करते थे एग्जीबिशंस के अंदर, जो कॉस्मेटिक एग्जीबिशंस लगती हैं यूरोप में, लगती हैं अमेरिका में, हैं मिडल ईस्ट में, हर जगह हम जाके देखते थे। या बड़े बड़े कंपनीज और उनके बड़े बड़े बूथ और कियोस्क लगे हुए हैं और वो अपने वो ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, हम उसमें होते थे। इसे बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस कि हमें कुछ कुछ ले लेना कहीं लोगों से। तो हमने फिर एक दो डिस्ट्रीब्यूशन ली छोटे ब्रांड्स की, क्योंकि कंपनी साइज छोटा था तो छोटी डिस्ट्रीब्यूशन ली इंटरनेशनल ऑफकोर्स। तो वहाँ पर हमें ख्याल है कि यार हम डिस्ट्रीब्यूशन तो ले रहे हैं, कोई अपना ब्रांड डेवलप करें, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे घूमते थे। तो हमने सोचा चलो एक ब्रांड को बनाते हैं, छोटी मोटी को चीज़ से शुरू करते हैं। फिर सोचा कि ब्रांड का नाम क्या रखा जाए, हमने सोचा ये टीना मीना अंग्रेजी नाम रखते हैं। हम सोचा नहीं यार कोई अपना नाम रखें, जैसे आप कह रहे हैं जैसे कैफ़े, खुद ही कैफ़े। तो हमने सोचा यार कोई पाकिस्तानी नाम होना चाहिए, उर्दू। अच्छा हम डर भी गए ये ना हो कि कोई, अब हम लिखते हैं खुद ही कॉस्मेटिक तो कोई यूज़ ही ना करें। हमने सोचा कि यार चले पाकिस्तानी नहीं तो फिर पंजाबी भी नाम रखते हैं, हम रहते हैं पंजाब में, तो हम पंजाब में हमने सोचा रिवाज रखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। जब हमने रिवाज सोच लिया, चलते चलते सोच लिया डन, लॉक कर लिया 1 2 3 लॉक रिवाज। जब सोचा और हमने जब हमने सोचा और हमने ऑर्डर दिया, हम डर भी गए कि यार अब मतलब ये सीने क्या कहेंगी कि हमने रिवाज यूज़ करना है। हमने सोचा छोटा सा रिवाज यू के भी लिख दिया डरते हुए। हमने सोचा हमारा भाई तो इंग्लैंड में है ही है, हम सोचेंगे कंपनी उसने बनाई है तो रिवाज यूके कर देते हैं, कुछ अपना फियर को कम कर दिया हमने कह के। तो हमने जब बन गया प्रोडक्ट, हमने सबसे पहले बनाई एक आती है लेडीज़ की हेयर रिमूविंग स्ट्रिप आती है बॉडी स्ट्रिप, हमने वो बनाई। और बड़े बड़े जब स्टोर्स पे गए जैसे लाहौर में अल्फता स्टोर है, जलाल सन्स है, ईसा जी हैं, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे आर्ट वर्क को। हम मोटिवेट हुए, हम सोच रहे थे यार रिवाज का नाम पढ़ के हमारे वापस ना कर दें, या लेडीज़ ना कहें कि इस पर तो कुछ मार्क्स एंड स्पेंसर ने लिखा हुआ है, मैक ने लिखा हुआ है, हुदा ब्यूटी ने लिखा हुआ है, लेकिन शायद मार्केट में गैप था, उन्होंने वो ले लिया। तो हम मोटिवेट हुए, अब एक सफ़र चल पड़ा। फिर हमने बड़ी तेज़ी के साथ उसमें कुछ चीज़ें और भी डेवलप की, नई चीज़ों में गए, क्योंकि हम काम तो सीख गए थे उस वक्त तक, मुझे बिज़नेस में मोर देन 2 decades हो गए थे और कुछ आइडिया था। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी ली और अपने साथ हमने ब्रांड को भी बिल्ड किया। इस वक्त हमारे पास जो हमारी कंपनी में तकरीबन अबाउट 1000 का स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ राइट नाउ जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं 1000 जी। और मेरा ख्याल है कि उसके अंदर कुछ 30-40 तो वो लोग हैं जो मैनेजरियल स्टाफ है जिनको हमने कंपनी मेंटेन कार दी हुई हैं और सब कुछ सारा कुछ किया हुआ है। और इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 6-7 ऑफिसेज हैं जी। और टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूशन हैं आपकी? हमारे पास जो हमारे अपने ऑफिसेज हैं वो लाहौर में 3 हैं, आई मीन पाकिस्तान में 3 हैं, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में है। और हमारे सब जो डिस्ट्रीब्यूटर 42 हैं। 42 डिस्ट्रीब्यूशन जी बिल्कुल, 43 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और अब जी और अब इसमें अब एक टाइम है, अच्छा टाइम है, अब ग्रोथ हमारी बढ़ रही है। अगर मैं ब्रांड्स बताऊँ तो शायद कुछ खवातीन को ब्रांड्स का पता हो, हमारे पास जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो है यूनिलीवर इंटरनेशनल। उसकी एक हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एक हम बोलते हैं सोल डिस्ट्रीब्यूशन। एक है यूनिलीवर पाकिस्तान और एक है यूनिलीवर इंटरनेशनल। ठीक है, यूनिलीवर इंटरनेशनल से क्योंकि बेसिकली हम लोग इम्पोर्टर हैं, हम लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले पाते, हमें वो मज़ा नहीं आता कि हम लोकली किसी से ले रहे हो, हमारा कोई लोकल प्रिंसिपल हो तो हमारा वो मिजाज में नहीं आ सकता। अब यूनिलीवर इंटरनेशनल से हमारे पास क्लोजअप ब्रांड है जो अभी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आई है और आप देखिएगा कि इसकी टेलीविजन एड्स आएंगी और सब कुछ आएंगे, तो हम इसको सारा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तान में। अब यूनिवर पाकिस्तान से हमने ले लिया, अब उनके पास अब हमारे पास आई है। इस तरह एक ब्रांड है वैसलीन जो आप बचपन से यूज़ कर रहे होंगे, वो हमारे पास सोल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उसको भी यूनिवर पाकिस्तान डील नहीं करेगा, हम करेंगे, आप करेंगे इस तरह। ठीक है, हाँ
इस तरह से यूनिलीवर के पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स का जो मेड इन पाकिस्तान पोर्टफोलियो है वो यूनिलीवर पाकिस्तान करेगा, और उसका जो पोर्टफोलियो वर्ल्ड वाइड है जिसमें कोरिया है, अमेरिका है, वो सब हमारे पास होगा। इस तरह से कुछ पुराने ब्रांड आपने सुना होगा, यार्डले, डेनिम, ब्रूट, ये सब हमारे पास हैं एज अ सोल डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान। एक ब्रांड है इंचांटियर, वो टेलकम और लोशन आते हैं, वो हमारे पास है। फ्लोरमार कलर कॉस्मेटिक्स हमारे पास है। इस तरह से हमारे पास वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना होगा आपने, ये बच्चों का जो करेक्टर है, इसके ऑफिशियल राइट्स हमारे पास है पूरे पाकिस्तान के। इसका जितना पर्सनल केयर है, जितना पाकिस्तान में देखते हैं, सारा हम इम्पोर्ट करते हैं। इसमें परफ्यूमरी है या और टूथब्रशेज है बच्चों के, हैं शैम्पू हैं, ये सब हम इम्पोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से हमारे पास US पोलो है, वो हमारे पास है ब्रांड। इस तरह से और काफ़ी जो ब्रांड्स हैं। ये बताइए काशिफ, ये जो ब्रांड्स आप, ये माशाल्लाह इतने ज़्यादा रेंज है कि मतलब याद ही रहता अपना जेब में। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आपने इंपोर्ट किया और सरकार ने अभी कोविड की पहले जो एक नई पॉलिसी आई जिसमें उन्होंने जो इंपोर्ट को कट किया, इंपोर्ट को ड्यूटीज बढ़ा दी और एक्सपोर्टर को बेनिफिट दिया, फिर रुपी डेप्रिसिएशन हुआ पाकिस्तान की हवाले से, तो इसमें आपकी कितना इम्पैक्ट हुआ इम्पोर्ट, और सेकेंड आपका मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कोई आगे कोई पाकिस्तान के अंदर अपना सेटअप लगाने का कोई आइडिया है? जी जी, देखिए जी, ये अल्लाह ताला का एक बड़ा निज़ाम है कि जब आप काम करते हैं तो वो सारा जो अल्लाह की जो एक कुदरत है, एक कायनात है, वो आपको सपोर्ट कर रही होती है, कभी मोटिवेट करके कभी डीमोटिवेट करके। तो नो डाउट जब ये करेंसी फ्लक्चुएशन आती है और जो गवर्नमेंट के जो नए रूल्स आते हैं तो उससे हमें डेफिनेटली बहुत ही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे अभी आपने खुद फरमाया कोविड हो या ये करेंसी का प्रॉब्लम आया या जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आई, तो उससे जो हमारा ये सारा स्ट्रक्चर था ये बैडली डिस्टर्ब हुआ और हम एकदम से चौक हो गए यार अब ये क्या करें, इम्पोर्ट रुक गई या कस्टमर बाइंग से हर चीज़ ऊपर चली गई या एक्सपेंसिव हो गई या उनकी कैपेसिटी से आउट हो गई। जी जी, तो उसके लिए अब हमें सोचना पड़ रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में आए, तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो फिर हमें एक फिर एक एहसास होता है कि इससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एक नया एक्सपीरियंस आएगा। अब ट्रेडिंग करते हुए हम थक गए ना, वही तो कह रहा हूं, एक जिंदगी हमने इसमें गुजार दी कि इम्पोर्ट करते रहो और बेचते रहो, अब मैन्युफैक्चरिंग का भी मज़ा आएगा। तो अभी हमने एक डिसीजन लिया है, ऑफकोर्स जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है हम गवर्नमेंट के शाना पशाना चले, और अगर अल्लाह करीम हमें मदद करते हैं और हम इम्पोर्ट करते हैं तो अब हम वर्ल्ड वाइड चूँकि बिजनेस कर रहे हैं। मेरा अपना दुबई में ऑफिस है, दुबई बैठकर हम लोग तकरीबन दुनिया के 25-30 कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी मार्केट, हमारे पास विजन भी है, हमें पता है वहाँ पर क्या कुछ बिक रहा है। तो अब हम सोचते हैं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर गवर्नमेंट हमें ब्लॉक ना करती तो हम शायद एक्सप्लोर ना करते, और अब हम डेफिनेटली करेंगे। हमें उसमें बहुत बड़ा विजन नजर आ रहा है, बहुत बड़ा विजन नजर आ रहा है। ये हो जाए मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका इधर सेटअप बन जाए तो फिर तो आप तो पाकिस्तान के इंपोर्टर के साथ बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन जाएंगे। सर देखिए, अफ्रीकन मार्केट में ये जैसे वाइटनिंग क्रीम्स हैं, अफ्रीका उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, एशियन मार्केट है, हम वहाँ पर जाएंगे। GCC हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, इस तरह से ईरान हमारे बहुत बड़ी मार्केट है, जबरदस्त। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो फार ईस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है, और दुबई में बैठकर इंडिया हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ से तो नहीं काम कर सकते, वहाँ से कर सकते हैं। हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बहुत बड़ी मार्केट है, बांग्लादेश बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये अब फ्यूचर प्लान में ग्रोथ में रखा ये सर, ये हमारा ये अब तो ये हमारा जैसे कहते हैं ना कि इस हमारे लिए इसके बाद हम चल नहीं सकते। हम जी बिल्कुल, हम सारे भाई एक पेज के ऊपर हैं कि हमने डेफिनेटली अब हमने यहाँ पर कोई अच्छा, मुझे थोड़ा सा आगे चलना है क्योंकि टाइम को हमने उसको समेटना है। मुझे ये बताइए काशिफ के, अब आपको ना इतनी ग्रो कर लिया और ग्रोथ के साथ पेन आती है, जैसे बच्चा होता है ना ग्रो करता है हड्डियों में दर्द होती है, ठीक है जी, जैसे बच्चा FSC करता है तब ईजी हो गया, हालांकि उसकी आगे एक दरिया का सामना उतरा तो एक दरिया का मैंने देखा। तो अब देखिए ग्रोथ आ गई, आपका स्ट्रक्चर, अब आपने एक रिटेलर से आप कह रहे हैं कि हम शॉपकीपर हैं और यू शुड टेक द प्राइड, क्योंकि मैकडॉनल्ड भी तो किसी वक्त एक दुकान ही थी ना, आज इतनी बड़ी एक एम्पायर बन गई। तो रिवाज को अब एम्पायर बनने के लिए आपकी क्या सी जो एक कॉरपोरेट प्रैक्टिस है, आप चाहते हैं कि एक फैमिली बिजनेस से ये कॉरपोरेटाइजेशन की तरफ जाए, एक प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस बने, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए जी, आज की स्टेज पर अगर हम देखते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रोथ अगर मैं सोचता हूँ अपना पास, तो शायद ये जो मेरा ड्रीम था, शायद ड्रीम इतना बड़ा ना होता जहाँ पे अल्लाह ने हमें पहुँचा दिया है।
मतलब हमारी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमारी पोजीशन से बहुत अच्छी है, बट मैं आज भी फील करता हूँ कि मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैं तकरीबन 30 साल पहले था। मुझे आज भी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि आगे आगे विजन बहुत बड़ा नज़र आ रहा है हमें, बहुत बड़ी मार्केट है जिस फील्ड में हम लोग हैं। अगर हम इसको सही कैलकुलेट करते हैं, इसकी असेसमेंट करते हैं, तो हमें लगता है कि आज भी हमने मार्केट का जितना कैप्चर किया है इट्स स्टिल लेस देन 5%। मार्केट अभी तक 9% बढ़ी है हमारे पास, इतनी बड़ी मार्केट है। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम तीनों भाई ने जितना काम किया ये हमारी एक एक्सपर्टीज थी, अब हमें अपने प्रोफेशनल्स हायर करने हैं। कुछ हैं पापा, आपने फैमिली से प्रोफेशनलिज्म की तरफ जी, और अब हम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा पीछे आएँ और जो हमारे पाकिस्तान में इतने क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अब हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें ज्वाइन करें, हम उन्हें हायर करें और अब हम उनके साथ काम करें। क्योंकि एक एक होती है कि आपकी सोलो एफर्ट्स होती हैं, एक स्टेज तक जा सकती हैं। अब चाह रहे हैं कि हम मार्केटिंग एक्सपर्ट्स रखें, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट रखें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए हैं, हम टॉप के एचआर को देखें, हमारे टीम्स के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें अकाउंट्स के अंदर बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, ऑडिट फर्म्स चाहिए, अब हमें सब कुछ चाहिए। और अब हम पिछले 2-3 माह से इस पर काम कर रहे हैं, पूरी रिस्ट्रक्चरिंग है जी बिल्कुल। और इसमें मेरे ख्याल सबसे पहले जो आपको अपनी जो ऊपर जो स्ट्रेटेजी की जो आपकी अपनी जो टीम की मैनेजमेंट है उसको आपने अपडेट करना है, अगर वो नहीं करेंगे नीचे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, अब हमें कंसल्टेंसी चाहिए, क्योंकि हमारी अब जो हमारा अपना विजन था, अब हम हमारी ग्रोथ ठीक है बट अब हम समझते हैं अभी ये स्टैग्नेंट है, अब वो स्पीड जो है ना वो उसके लिए हमें कुछ ऐसे चाहिए जब आप कॉर्पोरेट कल्चर और सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ आएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल, इसके बगैर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये दो चीज़ें होगी, सर आगे शॉर्ट चीज़ें लेके चलते हैं। ये माशाल्लाह आपकी ग्रोथ, मुझे आप ये बताइए कि काशिफ ने इतनी मेहनत की, काशिफ ने अपने वाले से सीखा, फिर अपने भाई भी आ गए, फिर टीम बनाई और काशिफ अब आगे जाना चाह रहा है, तो काशिफ मैं पूछूंगा कि काशिफ आपका ये सक्सेस का मंत्रा क्या बना, क्या सक्सेस को डिफाइन करते हैं? अच्छा सर देखें एजाज भाई, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिंड रहना है, बस हार्ड वर्क करनी है, और ऑफकोर्स हम मुसलमान हैं तो अल्लाह पे तवक्कल करना है, अपने ऊपर एतमाद, अपनी मेहनत पर एतमाद, अपना पूरा होमवर्क और दिल लगा के मेहनत, और मतलब हम भूल जाए कि हमें कोई चीज़ रोक सकती है, हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती, अगर अल्लाह की मर्ज़ी का शामिल नहीं तो एक अलग बात है, बट अल्लाह की अगर मर्ज़ी है तो हम फोकस्ड, कोई चीज़ रास्ते में आ जाए हमें नहीं रोक सकती, यानी कि हम ये लिख लें, ये चैलेंज कर दें कि हमारे रास्ते में कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती है, हमने डिटर्मिन रहना है, अल्लाह पर तवक्कल करना है, नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा करें, और डटे ही रहना है। सम टाइम क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको रोकती हैं आकर, लाइक आपको कभी दिल नहीं करता, आप डिसहार्ट होते हैं, मार्केट चैलेंजेस हैं, सम टाइम आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो ये चीज़ें बहुत सारी बीच में आकर रोकती हैं। तो ठीक है, अच्छा जब ये रोकती हैं तो मैंने देखा जो साइंस है ये अल्लाह करीम आपको रोकते हैं, बास को तो आप सम टाइम आप बहुत तेज़ी से चल रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप गलत कर रहे होते हैं, आप मिस कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको रोकती हैं 2 मिनट के लिए कि कहीं पर कुछ मिस्टेक है, रुका देखा चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उसको रेक्टिफाई किया तो पता चल जाता है यार ये मिस्टेक थी। अच्छा उस वक्त तक पता चलता है कि अल्लाह करीम ने आपके लिए और भी आगे जान खोल दिए हुए थे। तो ये जो कुछ अर्सा जो डिफ़िकल्टी आती है जब हम नेक्स्ट फेज में आते हैं तो पता चलता है अब हम नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हुए हैं। मेरे साथ तो ये बहुत कुछ हुआ, हेल्थ इश्यूज़ भी आए, मैं 7 महीने बेड पर भी रहा, मुझे कुछ पेन थी, बट जब मैं पेन से उठा तो आप बिलीव करें मेरे पास आगे एक और जान था, मतलब मेरी जो ग्रोथ मैंने उन दिनों में देखी जो 7 माह में मैंने मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने गुजारे, तो मेरी जो 20 साल का जो मेरा सफ़र था वो एकदम से मल्टीप्लाई हो गया और मुझे नया विजन नजर आया। मुझे जब स्ट्रेस आता है और आपने इतनी टफ लाइफ गुजारी और आज तक इसको हार्ड वर्क आई थिंक जो की मंत्र ऑफ सक्सेस, तो मुझे काशिफ जी बताइए कि ये जो आपकी जो मेहनत है जो आप कर रहे हैं अब आगे ये मेहनत के लिए कि आप अपनी सक्सेशन प्लानिंग भी कर रहे हैं, भाइयों को डेवलप कर रहे हैं, या आप अपनी कोई नई नस्ल को डेवलप करेंगे कि वो आगे आप इसकी बागडोर संभालें, क्योंकि इंसान एक पॉइंट पे जाके अपना रास्ता किसी जगह किसी और को देनी होती है। एजाज भाई जब मैं कारोबार में था तो सारी बात है हम तो बिल्कुल बच्चे थे, अकल भी कोई नहीं थी, तो मेरे वाला साहब का बेटा जो करना है तो उन्हें करना है। अच्छा मैं सोचा कि यार एक वो जवान आदमी तो मैं बच्चा था या ये बंदे मतलब, और अब बाजी मेरे बड़े बार रोब हम डरते थे, बल्कि हम कोशिश करते थे जब अबू घर हम सो जाएँ
और तब तक लौटे जब तक उतरे ना जाए, और इतवार को भी छुपे रहे, उतने उस सख्त मिजाज थे। तो जब मैंने देखा कि यार मेरे अब्बा जी के पास जब मैं गया, उन्होंने कहा ये तूने संभालना है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार यार ये क्या बात किया अब्बा जी ने कि मैंने संभालना है, मुझे तो ये नहीं पता कि बिजनेस की ABC क्या होती है। सही। तो वो मुझे बड़ा एक 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 कॉन्फिडेंस एक बड़ा मुझे एक फील हुआ कि यार क्या बात है। तो जब मेरा भाई बिजनेस में आया तो फिर मैंने वही बात रिपीट की कि यार आप लोगों ने संभालना है, यार मैं तो नहीं इतना कुछ कर सकता हूँ। अब्बा जी भी साथ थे तो मैंने उनसे कहा यार हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मुझे वो कहने में दिक्कत नहीं हुई, अगर मैं अब्बा जी ने मुझे ना कहा तो शायद मुझे फील होता। तो मैंने भी उसी तरह से जैसे ओपन हार्टली मेरे अब्बा जी ने कहा, मैंने उन लोगों से कहा कि यार तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम्हारा विजन मुझसे बेहतर है, तुम यंग ब्लडों में से 10 साल छोटे हो, तो अब तुम लोग हमें आके लेके चलो यार। शायद उनको भी फील हुआ। फिर उन्होंने दुनिया एक्सप्लोर की। फिर जब आफ्ताब भाई बिजनेस के अंदर आए और उस वक्त हमने यूरोप से इंपोर्ट शुरू की, तो मैंने कहा यार आप और आफ्ताब जाया करो बाहर, मैं इधर ठीक हूँ। जब वो गया उस पर भी कॉन्फिडेंस आया कि यार अब मैं दुनिया में परचेज कर रहा हूँ मैं। फिर यही चीज़ हमने डेलीगेट की अपने स्टाफ के अंदर। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरा स्टाफ है वो मुझसे ज़्यादा ऑथोराइज्ड हो। इवन जो भी हम डील करते हैं और वो किसी मेरी उस टीम के अंडर वो डील आती है, तो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ उसको डील करने का, अथॉरिटी वो है। मैं उससे पूछता हूँ अगर वो चीज़ चेंज करनी है तो मुझे उनसे परमिशन लेना पड़ती है कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ओके सर नहीं, इसकी लॉजिक ये आप नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ठीक है यार। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तमाम जो अथॉरिटीज हैं टीम में डेलीगेट करें। मुझे ये बताया कि जब जिस काम की आपकी नेचर है, बाहर से मंगवाना, चीज़ें आनी, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बड़े चैलेंजेस हैं, रिटेल के बड़े इश्यूज होते हैं, तो गुस्सा भी आ जाता है, स्ट्रेस भी आता है। गुस्सा को कैसे निकालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप? माशाल्लाह मैंने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, तो गुस्से में तो मतलब वाला जो काशिफ शायद वो गुस्सा गुस्सा आता, तो गुस्से को मैनेज कैसे करें? सर देखिए जब शुरू में थे ना, तो शुरू में एक लफ्ज़ होता है ना कि जैसे होते ना एक लफ्ज़ है, अच्छा लफ्ज़ नहीं है, छोकरे होते हैं। हम शुरू में ऐसे क्या करते थे कि कुछ हो गया तो उल्ट पुल्ट हो गए और मार्केट में शोर शराब और ये वो। अच्छा अब इंसान वक्त से सीखता है कि यार के ये गुस्सा इंपॉर्टेंट है कि काम इंपॉर्टेंट है। जब थोड़ी सी मैच्योर हुए तो हमने फील किया कि जब गुस्सा आता था कभी कभार नहीं, हर वक्त आता था गुस्सा, जब काम तो नहीं होता था तो 4-5 घंटे वेस्ट होते थे। तो मैंने सोचा कि यार उसमें हमारा लॉस बड़ा होता है। हम जब कैलकुलेट करते हैं कि पर आर हमारी कंपनी को ज़रूरत क्या है, अगर जब हम सीट पे बैठते हैं तो मैं समझता हूँ जो हमारी सीट अल्लाह ने जो बनाई, डायरेक्टर सीट जो बनाई, ये हम मुलाजम हैं, हमारी जो बॉस है वो हमारी कंपनी है, हम नहीं है। अगर उस सीट के ऊपर बैठ कर मैं गुस्सा करके 3-4 घंटे वेस्ट करूँगा तो मैंने कंपनी को लॉस पहुँचाया, क्योंकि हम टॉप सीट पर बैठे हुए हैं और उस वक्त कोई भी स्टाफ आके मिलता है तो दिल नहीं करता बात करने को, हर डिसीजन गलत। तो हमने सोचा कि नहीं यार गुस्से वुस्से सारे घर जाके कर सकते हैं, यहाँ करने की हमें परमिशन ही नहीं है, यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस कल्चर डेवलप करना है। अगर मैं गुस्सा करूँगा तो मेरी टीम क्या करेगी? फिर खुद को कंट्रोल करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से थोड़ा साइड पे भी रहें, हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना हो, स्टाफ करें, तो इस तरह के पीछे से हम लोग करते हैं। नहीं कोई ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपका काम ही, आपने खुद ही बोला कि हम खवातीन से नहीं हसीनाओं से हमारा गुस्सा पड़ता है, तो गुस्सा कम करने के लिए आपने माशाल्लाह कोई 1000 हसीनाएं रखी हुई है, तो उसी वजह गुस्सा कंट्रोल रहता है। देखिए जी हमारे पास नो डाउट कि माशाल्लाह बड़ी बड़ी हसीन बड़ी बड़ी हसीन खतून काम करती है, लेकिन हम उसको देखते हैं, आप हसीन बनाते हैं, होती नहीं है, होते भी हैं, होते भी हैं, होते भी हैं, लेकिन हम उनको देखते हैं बिल्कुल अपनी बहन और बेटी की निगाह से। सही। बहुत प्यारी बच्चियाँ हमारे पास काम करती हैं, उनको देखते हैं तो बाकी जो है वो हमारे ऑफिस का एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, मतलब गुस्से वाला एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है। अच्छा हम उनके सामने वो गुस्सा भी नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकते। जब हम बैठते थे ना होलसेल मार्केट में, अब क्या तो हमारी लैंग्वेज बड़ी खराब होती थी, जब ऑफिस आए तो नहीं यार गालियाँ तो नहीं कर सकते, बड़ी तकलीफ हुई हमें एक डेढ़ साल, फिर हम कहते हैं थोड़ा सा बाहर कटे रहूँ ज़्यादा तो फिर वो आहिस्ता था ना, नहीं यार नहीं गुस्सा खाली गुस्से मुँह से भी दिखा जाता है, ऐसे बस गुस्सा करें तो गुस्सा हो सकता है, क्योंकि काम चलता है। फिर हमने वो कल्चर भी बदला, लाइक जैसे कहते ना कोचवान कल्चर बदला कि नहीं यार तरीके से बात हो सकती है। अब हमने जरा कोचवान से डेवो कल्चर आ गया, हमारी जो खातून आती है ना डोगा लेके, तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि कोई खातून जो है ना वो डेवो की गाड़ी में सर्व कर रही है, वो कल्चर नहीं था हमारा। ऐसे ही है। मुझे काशिफ आखिरी 2-3 चीजें बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है? सर चूंकि हम लोग एक बिजनेस मैन है, हमने रोल मॉडल बनाए मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर। अगर मैं सोचूं कि 10-15 साल पहले तुम्हारा रोल मॉडल वो था
जो सक्सेस बिजनेस की सक्सेस स्टोरी था वह कैसे बदल गया। अच्छा क्योंकि हमारा विजन उस वक्त वही था। अब मैं उस वक्त नाम कोट नहीं कर सकता हूँ, मैं अलपत ही होगा मैं नाम मैं, अच्छा नो डाउट के अगर आपने अलफता की बात की तो नो डाउट के शेख अनीस साहब जो हैं सोहेब इरफान साहब से हमारा शेख अनीस साहब से लिंक हुआ करता था। हम देखते थे यार ये कितना काम करता है ये शख्स, तो नो डाउट हमारा रोल मॉडल हैं रहेंगे हमेशा। अच्छा जब जब वक्त के साथ जब हमें चांस मिला दुनिया में जाने का तो रोल मॉडल हमारे बदलते गए। मैं सही बताऊं कि हम एक जगह पर स्टक कैसे हो सकते हैं, इतनी बड़े बड़े दुनिया के ब्रांड्स आपने देख लिए तो फिर पीछे क्या। हाँ तो अगर हम रोल मॉडल देखें तो फिर हमारे लिए रोल मॉडल ये है कि अगर यूनिलीवर इंटरनेशनल बहुत बड़ा है तो फिर SGS इतना बड़ा क्यों नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि ये मल्टीनेशनल P&G है, हैंकल है, रैकेट बैंकिसर है, तो ये इतने बड़े हैं तो क्या क्या SGS या कोई पाकिस्तानी कंपनी इतनी बड़ी नहीं हो सकती। तो ये हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है। हम सोचते हैं कि हमें होना चाहिए ऐसा, मतलब कोई जब हमें ये मुश्किल नहीं लगता बिल्कुल भी। मुश्किल इसलिए लगता है कि आज हमारे रिसोर्सेज नहीं है, वो जब आज वो नहीं था तो ये भी है। तो हम समझते हैं कि हमें मल्टीनेशनल होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए और जल्दी होंगे इंशाल्लाह। एक्सपोर्ट ये इरा शुरू हो गया और ये पहुंच जाएंगे आप उस लेवल पर इंशाल्लाह। बिल्कुल ये कहते हैं कि पहली सीढ़ी पर कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर नजर, बस बस मंजिलों की जुस्तजू में राय का एक पल ना जाए। ये तो आपका एक माशाल्लाह सफर आगे चलिएगा। आखिर में दो शॉर्ट क्वेश्चन है सर, मुझे ये बताइए कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, क्योंकि आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, आपके ऑफिस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको करना पड़ता है, तो फैमिली और वर्क को कैसे बैलेंस कर। सर शुरू में तो बहुत क्रेजी थे, हम सोचते थे जो टाइम बचता है उसमें काम ही कर लो, लेकिन आखिरी 3-4-5 सालों में हमने सीख लिया कि नहीं इन चीज़ों को बैलेंस करना बहुत लाजमी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं है, फैमिली और बैलेंस हो। हाँ पहले बैलेंस नहीं करते थे, अब हम बैलेंस कर लेते हैं। अब हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ऊपर जो पहले होता था काम का प्रेशर वो नहीं है, माशाल्लाह हमारी टीम में काम संभाला हुआ है, हम बड़े रिलैक्स मोड में सारा काम करते हैं। अच्छी सा सवाल है उसका, वन छोटा सा जवाब चाहिए। आप माशाल्लाह एक ही कंपनी में मोर और लेस आप CEO हैं, बाकी दो CEO और भी हैं, दो भाई भी जी माशाल्लाह बिल्कुल, तो उनमें क्या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि एक वक्त में सही जरा, क्योंकि जब एक फैसला करना हो तीन बंदों को करना, तो एक इधर जाता है एक इधर जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? सर देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने जितने वो मैच्योर होंगे ना ये चीज़ और मुश्किल हो जाती है। फाइनल डिसीजन किसका होता है सर? किसी का भी हो जाए मान लेते हैं। अच्छा, हाँ, मान लेते हैं। इसमें बिल्कुल कोई बहस नहीं है, मतलब एक दो तीन हम सब एक ही है ना, एक तो किसी की भी मान लेते हैं। लेकिन आपको ये आगे थोड़ा सा फिर आपको एक चेन ऑफ कमांड डेवलप करनी होगी। हाँ जी हाँ जी, वो चेन ऑफ कमांड हमें फोर्थ पर रखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, ये मैं सोचता हूँ बीवी नहीं होती वो हमें जब हम जाते हैं बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए तो हमने प्लान ये रखा हुआ है कि एक साल पाकिस्तान घूमे और एक साल बाहर जाए। पाकिस्तान में कौन सी जगह अच्छी और बाहर कौन सी जगह? हाँ अच्छा, आप देखें जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है? वहाँ पर ये मिलता है कि उनकी चूँकि वो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके बच्चों के लिए जितने भी बने हुए हैं हिल स्टेशन हैं या मॉल्स हैं या उनके जितने भी एम्यूजमेंट पार्क्स हैं, ऑफकोर्स वहाँ पर एक पैसा लगा हुआ है, बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो उसका बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में तो आप बिलीव करें खुदा की कसम कि सर वहाँ पर जो एडवेंचर मिलता है, लेकिन मेरी फैमिली को पसंद भी है, मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो वहाँ जब हम जाते हैं स्कर्दू में गए, हम नहीं भूलते यकीन करें कि क्या नेचर थी वो, उसका उसका देवसाई पार्क जो था, उसका उसका एक था शिगार थंक, बहुत कमाल जगह थी, शिगर फोर्ट था। फिर हम कगान नारान जाते हैं या हुंजा वैली जाते हैं तो बिलीव करें कि मतलब उसका भी चार्म वहाँ से कम नहीं है। फिर बट ये कि कॉस्ट बहुत कम है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपकी एयर ट्रैवलिंग है, होटलिंग है, उसका अपना एक चार्म है। लेकिन अपने मुल्क में जब घूमते हैं तो रकी यकीन करें कि बड़ा मज़ा आता है अपने अपने लोगों के साथ, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ। तो सर हॉबी? हॉबी बिजनेस ही है। अच्छा अब हम सोचते हैं कि हॉबी होना चाहिए, तो अभी जो हॉबी है वो बच्चों के साथ चिट चैट ही है। मैं सही बताऊँ उनकी कोई एजुकेशन देख रही, उनको ये जो बिला मकसद के और कोई अपना
वो लेक्चर्स दे दिए, उनके साथ कोई बुक स्टडी कर ली, अभी तो अभी हो भी अब इस तरह के अभी कुछ कर तो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, बच्चे की बात हो गई तो आप मूवी कोविड में क्या सीखा है, कभी कोई की लर्निंग क्या कोविड की? सर अगर कोविड की अगर मैं की लर्निंग देखूं तो हमने उसमें भी अपनी रूटीन ये रखी, बहुत सारे लोग जो थे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या कुछ लोग रुक गए, हम तीनों भाई अपने ऑफिस में जाते थे। अच्छा। हमारा ऑफिस चूँकि लकी हमारे घर के पास था, उधर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी उस एरिया में, हम ऑफिस जाके बैठते थे और हमने नई चीज़ें एक्सप्लोर की कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो हम हमारी रूटीन कोविड में भी सेम रही, हमने शायद दो छुट्टियाँ की होंगी मेरे ख्याल से। हमें जब पता लगा कि हमारे घर के पास दो केस निकल आए हैं सराउंडिंग में, तो हमने सोचा कि दो दिन की ब्रेक करते हैं, बट उसके बाद हम काम ही करते रहे। तो हमने काम ही किया, हमने नई चीज़ें डेवलप की, हमने बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमें टाइम नहीं मिलता, हमने बहुत सारे काम किए बस। सर दो मैसेजेस देने हैं, एक तो यूथ को जाना जाना और एक इन हसीनाओं के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि अब महंगाई बहुत हो गई, लोगों के लाले पड़ के रोटी पानी के खाने पीने के और स्कूलों की बच्चों की फीसें रेंटल्स, तो मेकअप का सामान इस किस्म की जो आपकी मेन प्रोडक्ट्स हैं जो और ग्लोबल बेस्ट आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है, तो खवातीन के पास तो अब पैसे नहीं बचे, तो मेकअप के बगैर वो रह नहीं सकती, तो वो इसके लिए उन खवातीन हसीनाओं के लिए क्या मैसेज है कि वो क्या अफोर्डेबल कोई रिवाज है कैसे, या सीओ क्लब पे कोई ऐसी आप स्पेशल ऑफर देके जाएं ताकि हम कहेंगे जी आप उनको ये कार्ड ले जाएं और आपको इतनी डिस्काउंट मिलेगी, उन खवातीन को हसीना को क्या मैसेज देते हैं, और फिर अपनी नई नस्वाल नस्ल के लिए जिनके पास जॉब चली गई है उनके लिए क्या मैसेज है? इन्हें आप पहले आपने बात की यूथ की, हसीनों पे आप आ गए हैं? नहीं, यूथ की आठ पे करेंगे, हसीनों के ठीक है कि सर उनके लिए मेकअप अफोर्डेबल कैसे होगा सर, बहुत महंगा सर। अच्छा सर, जो मेरी हसीन बहनें बेटियाँ हैं, मैं उनसे ये बात जरूर कहूँगा कि खुद को वेल ग्रूम रखें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक तरफ मेरा कारोबार तो है ही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब हम दुनिया में घूमते हैं तो आप बिलीव करें कि हम जब देखते हैं कि उनकी जितनी भी यंगस्टर्स हैं उनको पता है कि हमने खुद को कैसे वेल ग्रूम करना है, प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। सम टाइम हमारे यहाँ ये कल्चर ऐसा है कि वो इतना मेकअप कर लें कि जैसे लगे जैसे वो शादी पर जा रही हैं, बट वेल ग्रूम रहने के लिए नो डाउट अब मेकअप ज़रूरत है, तो ऑफकोर्स ये उन्हें करना ही चाहिए। वो मतलब जब वो अपने कॉलेज लाइफ में आए तो होना चाहिए। जैसे हमारे ब्रांड्स के अंदर आजकल बेसिस हैं जैसे हम प्राइमर्स बोलते हैं या कुछ ऐसी फाउंडेशन जो कि इनविजिबल फाउंडेशन हैं, उन्हें करना चाहिए। और मैं उन्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ रिवाज यूज़ करें, बाकी जो कम यूज़ करें। अच्छा देखिए जी उसमें दो से तीन चीजें हैं, मतलब क्या इससे किसी एक आम एवरेज शक्ल के बंदे में या बंदी में खूबसूरती आ जाती है? लेकिन उनकी जो पहली बात है ना ग्रूमिंग, वो ज्यादा ज्यादा खूबसूरती में इजाफा करती है। देखिए जी, हम लोगों ने हमारा एक्सपीरियंस अपने हद तक ठीक है, हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है हम उस पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, हम उस पर जो भी मेकअप का जितना भी टेक्सचर होता है हम उस पर काफी टाइम लगाते हैं। हमारी जितनी भी छोटी मोटी कंपनी है हमारा R&D काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बट करते हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर मैं ये बिज़नेस की बात करूँ तो प्राइस वाइज हमारी कोई भी प्रोडक्ट जो ऐसी है वो बहुत इकोनॉमिकल है। और आप बिलीव कीजिए कि मैं चैलेंज करना अच्छी बात तो नहीं है, बट मैं बड़े दावे से ही बात कर सकता हूँ कि जिस प्राइस पे जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं मल्टीनेशनल के हमारे रेट 5 to 10 times ज़्यादा हैं और सम टाइम 20 times ज़्यादा हैं। और आप बिलीव कीजिए बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल सेम पैकेजिंग है। सर यूथ के लिए क्या मैसेज लेके जाएंगे आज क्लोजिंग में? सर देखिए अब हमारी एज ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं जी सर। तो सर देखिए ये जो यूथ है खासतौर पर वो लोग जो मीडियोकर्स हैं, क्योंकि मैं खुद मतलब मीडियोकर क्लास से हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे कंट्री में बड़ा पोटेंशियल है। हमारे जो पाकिस्तानी हैं जितने भी हम के बच्चे या बच्चियां हैं बड़ा टैलेंट है, बड़ी बड़ी मोटिवेशन है, बड़ा काम करने का इनमें लगन है। थोड़ी सी ये है कि थोड़ा सा डायरेक्शन नहीं है, थोड़ा सा उनको ये नहीं पता कि हमने क्या करना चाहिए। हमें अगर वो थोड़ी सी एफर्ट करें, अभी तो देखिए ये जितना भी ये सोशल मीडिया है ऑनलाइन है बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कोई मतलब मीडियोकर है या लोअर मीडियोकर है आज की डेट में, ये कोई कहे कि यार मुझे पास कुछ करने के लिए नहीं है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, तो ये बड़ी ज्यादती है, ये बड़ी ज्यादती है। अगर कोई लड़की भी है तो वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती है, अब तो ऑनलाइन बहुत सर्विसेज हैं। अगर कोई बच्ची अच्छा खाना बनाना जानती है तो वो अपने घर में एक छोटी केटरिंग खोल सकती है, वो मार्केटों के लिए लंच बॉक्स कर सकती है।
कॉस्मेटिक्स है तो कॉस्मेटिक ऑनलाइन बहुत अपॉर्चुनिटी है, इवन कि अपने नाम से बनाकर डेवलप कर सकते हैं, उन्हें किसी सुपर स्टोर की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बड़ा बिजनेस कर सकते हैं छोटी मोटी बॉटलिंग में कोई भी चीज़। और अभी तो ये हर्बल जो चल पड़ा है, हर्बल ऑर्गेनिक होममेड, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूँ कि आज दुनिया की मतलब इंसान जो भी चीज़ यूज़ करता है, वो फूड है, वो कॉस्मेटिक है, वो अपैरल्स हैं, गारमेंट्स हैं, हर लड़का लड़की कर सकता है। और इस वक्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं, कोई बाउंड्री नहीं रह गई है कि ये लाहौर की बाउंड्री है या ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, अब तो ऑनलाइन बहुत चीज़ें चल चुकी हैं। ये कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये बड़ी ज्यादा है। काशिफ थैंक यू वेरी मच। लास्ट में पूछता होता हूँ मैं, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है? बहुत कम, बहुत कम। गुनगुनाते हैं कोई गाना? बहुत कम, बहुत कम। कोई चीज अच्छी है, कोई अच्छी चीज गुनगुनाने वाली? बहुत कम, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। हाँ जी, थैंक यू। जो मुझे मिला और जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, और वो है हार्ड वर्क। और वो है रातों को उठ उठ के जाकर अपनी बहन के जेज के लिए बना जो पैसे इकट्ठे कराए, और 200 रुपये के लिए, 300 रुपये के लिए, और उसके पास पैसे भी ना हो तो, और 15 साल लगे फिर जाके कहीं एक ब्रांड वाला होता है उसका एक लोकल नाम, और फिर लोकल ब्रांड को आगे लेके जाना, और एक सक्सेस स्टोरी है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। रिवाज एक बहुत बड़ा, और इनका जो इतना बड़ा टर्नओवर है माशाल्लाह, और इतनी इनकी ग्रोथ है, और ये जो उनके पास एक बहुत बड़ा मेगा विजन है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करें और 100 मुल्कों में ये एक्सपोर्ट करें। तो हमें इस किस्म के लोग चाहिए जो पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों को, सबसे बढ़कर 1,000 लोगों को, जितनी ज़्यादातर खवातीन हैं इनकी जो इम्प्लाइज हैं, उनके लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, 1,000 घरों को ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो इज़ अ बिग सक्सेस स्टोरी। प्लीज़ सी ओ टूडे टीवी पे देखिए इसका जो एडिटेड वर्जन है ऑफ काशिफ का प्रोग्राम, और फिर इसके बाद हमारे सी ओ क्लब और सी ओ टूडे मैगजीन पर देखिए, और अपना फीडबैक दीजिए, और आपके लिए कोई और अच्छी ऐसी सक्सेस स्टोरी हो प्लीज़ हमें इनबॉक्स कीजिए। इजाज़त दें, इजाज़ को अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।